भारत और वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाले टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बार फिर से धमकियों का सामना करना पड़ा है, और इस बार तो ये धमकी किसी खिलाड़ी या टीम मैनेजमेंट ने नहीं दी है, बल्कि वेस्टइंडीज के मेंटोर और उनके धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा ने दी है। और अब इस धमकी के बाद कप्तान रोहित की चिंताएं भी बढ़ गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने होने वाली सीरीज के लिए बोल बोले हैं, उसे सुनकर भारतीय टीम और सतर्क हो गई है और अपने रणनीतियों पर काम करती नजर आ रही है। तो ऐसा क्या कह दिया ब्रायन लारा ने, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौरतलब है कि अभी से 48 घंटों के बाद शुरू हो रहे भारत और वेस्टइंडीज के टेस्ट सीरीज के लिए जहां दोनों टीमें लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं और लगातार प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं, वहीं लगातार टीम के सीनियर प्लेयर्स और खिलाड़ियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि ये नया नवेला प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के विपक्षी टीम के मेंटोर और पूर्व धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा का सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने अपने टीम को लेकर भारत के खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर भारत के कप्तान और टीम मैनेजमेंट की चिंताएं बढ़ गई हैं। और इसके बाद एक बार फिर से वेस्टइंडीज को हल्के में ले रही भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के मुकाबलों को लेकर जब इस धाकड़ बल्लेबाज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमें दो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट मैच खेलने हैं और इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमारा 2 सालों का चक्र शुरू होगा और इसकी शुरुआत ही हम भारत के खिलाफ खेलकर करने वाले हैं। और भारतीय टीम को हम सब जानते ही हैं, भारतीय टीम चाहे अपने घर में खेले या बाहर हर जगह दुनिया की टॉप टीमों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रैक्टिस सेशन के अनुभव से कह सकता हूं कि हमारे खिलाड़ी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि डोमिनिका में होने वाले पहले मैच में हम जीत पाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आगे बोलते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर भारतीय टीम के कप्तान भी टेंशन में आ जाएंगे और अपनी रणनीतियों को एक बार फिर से रिवाइज करते नजर आ रहे होंगे ताकि इन रणनीतियों में कोई कसर ना रह जाए। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सीरीज में कुछ खिलाड़ी अपनी पहचान बनाएंगे। भारत एक कठिन प्रतिद्वंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम खिलाड़ियों से इसी तरह सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। वेस्टइंडीज ने इस सीरीज के लिए बाएं हाथ के 2 नए बल्लेबाजों किर्क मैकेंजी और एलिस अथानाजे को अपनी टीम में शामिल किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के कोच रहे 53 वर्षीय महान बल्लेबाज ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी शानदार हैं, अभी युवा हैं और उनके पास प्रथम श्रेणी का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उनके खेलने की शैली और रवैये को देखते हुए मेरा मानना है कि उनके पास उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी चीजें हैं। वेस्टइंडीज पिछले WTC चक्र में 4 जीत और 7 हार के साथ 8वें पायदान पर रहा था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या जिस तरीके से ब्रायन लारा ने अपनी टीम को लेकर दावा किया है, क्या उसी तरीके से उनकी टीम खेल दिखा पाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। हालांकि आपको बता दें कि जिस युवा टीम की बात ब्रायन लारा कर रहे थे उसको ध्यान में रखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी कई युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है, जिसमें से कई खिलाड़ी तो इस सीरीज से अपने करियर की शुरुआत करते नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की टीम से भारत को खतरा भी हो सकता है, मगर जिस तरह से वेस्टइंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में प्रदर्शन किया है उसे देखकर तो भारत के लिए ये रास्ता आसान नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, 12 जुलाई से शुरू होने वाले इस सीरीज में भारत जीत पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।